अंजलि, अंजलि, अरे कहाँ हो यार तुम? काजल आती ही होगी, सब अच्छे से रेडी हुआ? हाँ हाँ सब हो गया, ये लो। क्यों घर सर पे उठा रखा है? सारा काम हो गया है। जब से तेरी शादी हुई वो इस घर में आई हूँ। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके इतने सालों बाद वो आने वाली है, देखना आते ही उसके कान खींच लूंगी मैं। आ गई। ये सब क्या है भैया? ये अजीत है, हमने शादी कर ली। हे भगवान! भैया मैं सबसे पहले आप ही को बताने वाली थी, लेकिन ये अनाथ है तो मुझे लगा आप लोग राजी नहीं होंगे, इसलिए तुमने शादी कर ली। अरे अभी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अरे लोग क्या कहेंगे हमको। वाह, मेरी बात सुनिए ना प्रकाश, ये लड़के को अभी यहाँ से बाहर निकाल। इस लड़के को हम दामाद नहीं मान सकती, इसे बाहर निकाल। ये सब मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए किया है माँ। क्या मतलब काजल? माँ मैं अजीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसके लायक बनने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। माँ जी प्लीज। सुनिए ना, ऐसे नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। काजल इस घर की बेटी है और अब तो वह अजीत के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बेहतर यही होगा कि हम उन दोनों को अपना ले। प्रकाश, परिवार की इज्जत की बात है। पर वो जो ऐसे शादी करके आ गई, रिश्तेदार पड़ोसी, इन सबको हम क्या कहेंगे? कैसे मैनेज करेंगे हम सब? तो हम कहेंगे कि वो दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, इसलिए उनकी कोर्ट मैरिज करवा दी। प्रकाश आप प्लीज समझिए और माँ जी को भी समझाइए। नौकरी के लिए कहीं कोशिश की है? मैंने कुछ एक कंपनीज में अप्लाई किया है, शायद इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। जितना जल्दी हो सकता है बंदोबस्त कर लो। वो क्या है ना, घर जमाई बन के मुफ्त की रोटी ज्यादा दिन फलती नहीं है।
क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा तो आने दो भाई। अच्छा कोई तो बहुत अच्छे मूड में लग रहा है। जिसकी बीवी ही इतनी सुंदर हो, जिसकी वजह से इतना अच्छा परिवार मिला, वो मूड में कैसे नहीं रहे। वैसे आज जिस तरीके से प्रकाश भैया ने मेरे से बात की ना, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक कैसे नहीं होगा, अब मेरा पति है ही इतना अच्छा कि कोई ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। अच्छा भाभी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरे भाभी के होते हुए ननन काम करेगी क्या? और वैसे भी ऐसी हालत में तुम्हें जितना आराम मिले उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। अरे मैं तो एकदम बोर हो गई आराम कर करके। अब लाइए ना, मैं सब्जियां काट देती हूं। नहीं नहीं तुम्हें काम करो, तुम्हें काम करना है ना, मैंने बालकनी में कपड़े सुखाए थे वो ले आओ। अच्छा ठीक है। काजल, काजल कहाँ हो? जी आई। काजल अस्पताल लेके चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, संभाल कर आराम से। काजल अच्छा बेटा, अच्छा संभाल के बेटा, संभाल के बेटा। कैसी है तुम? माँ, डॉक्टर ने काजल को आराम करने के लिए कहा है। काजल हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। एक माँ के लिए उसके बच्चे को खोने के गम से बड़ा कोई गम नहीं होता, लेकिन काजल तुम्हें ये सब भूलना होगा, अपने आप को संभालना होगा। काजल तुम जाकर रूम में आराम करो, हम सब है ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर में भी खुशियां वापस आ जाएंगी। अजीत इसे ले जाओ। आराम से आराम से।
कौन है? क्या हुआ? बाहर से कोई मुझे झांक रहा था, कोई मुझ पे नजर रख रहा था भाभी। काजल, बाहर तो कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ भाभी, बाहर से मुझ पे कोई नजर रख रहा था। अभी था। तुम्हें आराम की जरूरत है, ये लो तुम खाना खा लो, दवाइयाँ टाइम पे ले लेना और सो जाना, और कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे आवाज दे दे, ये लो खाना खा लो। अंजलि, पता है तुम्हें आज ऑफिस में मैंने बहुत मिस किया। अंजलि, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, मैं वो बस काजल के बारे में सोच रही थी। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है ना, बहुत गुमसुम रहती है। आज तो वो बोल रही थी कि उसे बाहर से कोई देख रहा है, उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जब बाहर देखा तो कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता है उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। प्रकाश, हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अंजलि, तुम खामखा चिंता कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस हादसे की वजह से उसे वहम हो गया है और कुछ नहीं। कुछ ही दिनों की बात है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, अगर तुम ऐसी रही ना तो मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। आप भी ना कुछ भी कहते हैं। दूर कैसे आई मैं? काजल, काजल, क्या हुआ? काजल कमरे में ही होगी ना? लेकिन वो वहां पे नहीं है माजी। काजल तो कहां गई? शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आ जाओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें।
आओ। अजीत इसे लेके जाओ, अजीत रूम में लेके जाओ। मैं काम करो, तुम अपनी दवाई लो। तुम आ कर प्रखर प्रखर मेरा काजल को क्या हो गया? अरे भाभी आप बैठ बैठ। काजल आराम कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। काजल को थोड़ा समय देना होगा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी कब तक? आपको पता है ना कि काजल की हालत बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। तो लगता है कि डॉक्टर की कोई भी दवाई उस पर असर करना ही बंद कर दी। एक तरफ जॉब की टेंशन और दूसरी तरफ काजल की बिगड़ती हुई हालत। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे संभालूं। कितना काम करोगे? थोड़ा आराम भी कर लो। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये घर कैसे चलेगा? सबके बेटर फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान किया। इन्वेस्टमेंट? पूरे 50 लाख का। अच्छा वो सब छोड़ो, बंद करो। इससे पहले मुझे एक प्रॉमिस की। क्या? कि जितना ध्यान तुम अपने काम का रखते हो, अब उतना ही ध्यान मेरा भी रखोगे। कोई कहने की बात है? क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, अब कोई और भी है जिसे इससे फर्क पड़ेगा। कोई और? और कौन? प्रकाश। तुम पापा बनने वाले हो। सच्ची? अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं।
तुम्हें पता भी नहीं है डार्लिंग कि मुझसे प्यार करके तुमने लाइफ के कितनी बड़ी गलती की। बेटा तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया, अब जल्दी इस घर के आंगन को खुशियों से भर देना। काजल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये बच्चा ना बहुत लकी है, क्योंकि इसे पता नहीं है, इसकी बुआ इससे बहुत प्यार करने वाली है। आओ, कंग्रेचुलेशन भैया, कंग्रेचुलेशन माफी। अंजलि भैया आप क्या हुआ? भाई को अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। नमस्ते माँ जी। कैसे आना हुआ बेटा? क्या करूँ माँ जी, जब से अंजलि की माँ बनने की खबर सुनी है ना, तो कहीं कुछ मन ही नहीं लग रहा, तो सोचा कि मिलकर ही बधाई दे दूँ, इसीलिए सुबह सुबह ही चला आया। अच्छा किया बेटा। अरे रमेश तुम कब आए? बस अभी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे तुमको क्या हुआ, भाई के आने की खुशी नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि भैया अचानक खा गए ना, तो समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठिए। माँ जी काजल और उनके पति नहीं दिख रहे, कहीं बाहर गए क्या? नहीं नहीं बेटा घर में ही है ना वो, अभी बुलाती। काजल काजल बेटा जरा बाहर तो आना, आओ ना बैठो तब तक। बैठो अभी आ जाएगी। माँ जी ये तो भूल ही गया देने को, ये सब आप लोगों के लिए। बेटा काजल की शादी थोड़ी जल्दबाजी में हो गई, इसीलिए ना किसी रिश्तेदार को बुला ही नहीं पाए हम लोग। कोई बात नहीं माँ जी, चलता है। क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तुम एक काम करो, तुम जाओ मम्मी जी के पास, मैं आता हूँ। क्या हुआ आपको? जाओ ना तुम, मैं आता हूँ। अरे काजल। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? काजल आपके पति दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं एक बार देख कर आती हूँ। अजीत काजल बेटा दामाद जी कहाँ हैं? माँ वो उनकी ना सुबह से थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उठे थे मगर दवाई लेकर सो गए, अभी उठा रही हूँ मगर उठ नहीं रहे। कोई बात नहीं, जब अंजलि की गोद भराई के लिए आओगा ना तब मिल लूंगा उनसे, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा क्या जरूरत?
अजीत इंस्पेक्टर साहब में। क्यों, क्या हुआ? हाँ, हमें एक अर्जेंट रिपोर्ट लिखवानी। क्या बात है यादव? सर वो मेरी बीवी अंजलि दोपहर से घर नहीं आई है। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर प्लीज कुछ हेल्प कीजिए सर। हाँ तो गई होंगी, गई आ जाएंगे वापस, थोड़ा इंतजार कीजिए। सर आप समझ नहीं रहे हैं सर, सर उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हमने आस पड़ोस हर जगह देखा लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला सर। सर वो प्रेग्नेंट भी है इसलिए हम इतने परेशान हो रहे हैं। सर प्लीज उसे ढूंढने में हेल्प कीजिए सर। सर प्लीज। अच्छा ठीक, आप लोग उनकी कोई तस्वीर लाए? तस्वीर? हाँ सर फोन में है सर। यादव इस तस्वीर की कॉपीज हर जगह सर्कुलेट करो और जैसे कुछ खबर मिले तुरंत बताओ। आप लोग अपने घर जाइए, कुछ पता चलता है तो हम बताते हैं, और अगर आपकी वाइफ वापस घर आ जाती तो हमें बताइए। जी सर। माँ क्या हुआ? काजल प्रकाश और अजीत अभी तक नहीं आए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। परेशान मत होइए, वो लोग आते ही होंगे। प्रकाश क्या हुआ बेटा, क्या कहा पुलिस ने, और बहू कहाँ है? माँ वो अंजलि को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। हे भगवान मेरी बहू की रक्षा करना। सर वायरलेस पे मैसेज आया है कि लक्ष्मी नगर में जली हुई लाश मिली। जली हुई लाश? गाड़ी निकालो जल्दी। सर इधर। साहब मैंने ही फोन किया था। लाश पूरी तरह से जल चुकी है, किसी औरत की लाश लगती है। एक काम करो एम्बुलेंस को फोन करो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। और देखो कुछ आसपास मिलता है क्या, ढूंढो। लाश के ऊपर से लॉकेट मिला, किसे पहचानते? सर ये तो अंजलि का। अंजलि, अंजलि। इनके पहले गला घोटा गया उसके बाद इन्हें गिरा गया। आप लोगों किसी पे शक है? सर अंजलि की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर, किसने मारा होगा उसको? आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। यादव अंजलि के मायके वालों को भी बुलाओ, उनसे भी पूछताछ करना बहुत जरूरी है। ओके। रमेश जी जिस तरह से आपकी बहन अंजलि को मारा गया उसे देख के लगता है कि कोई उससे बहुत नफरत करता था। उसके ससुराल वालों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? सर उसके ससुराल वाले बेचारे क्या कहेंगे, वो तो इतने सीधे हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है उसकी भी खबर नहीं थी। मतलब कि अजीत उनकी बेटी काजल का पति, आप उसे जाकर क्यों नहीं पूछते अंजलि के बारे में? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो ही है इन सब के पीछे। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो मेरी बहन से प्यार करता था, 4 साल से उसके पीछे पड़ा था।
अंजलि अंजलि प्लीज मेरी बात। ये साले तू मेरी बहन को परेशान कर रहा है, आज के बाद अगर मेरी बहन को देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ूंगा, समझा? चल पूरे गांव में बदनाम हो गई थी वो, इसलिए हमने अंजलि की शादी इतनी दूर की ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। अंजलि भी उससे प्यार करती थी। सर वो तो भोली थी, मुझे तो ये भी नहीं समझता कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन हाँ शादी के बाद वो अपने ससुराल में रम गई थी, बहुत खुश थी, माँ बनने वाली थी। सर अब आप ही बताइए कि अगर वो खुश ना होती तो ये सब होता? पर उस कमीने ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा, और जब वो मेरे सामने आया मैंने उसे वहां देखा तो मेरा पारा चढ़ गया था। अजीत तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरी बहन के पीछे यहाँ तक आ गया? भैया मैं अंजलि के पीछे बिल्कुल नहीं आया हूँ भैया, उन बातों को सालों बीत गए और मैं बदल चुका हूँ भैया, मेरी तो शादी हो गई है काजल के साथ, अंजलि से मेरा भैया कोई रिश्ता नहीं है, और आपने तो देखा ना कि अंजलि कितनी खुश है अपने पति के साथ, उसके घर एक नन्ना मेहमान भी आने वाला है, आप मामा बनने वाले हैं। भैया प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे हमारे रिश्ते खराब हो, आपसे गुजारिश है भैया प्लीज, हम अपनी लाइफ में हंसी खुशी रह रहे हैं भैया। मुझे लगा वो सही बोल रहा है, इसलिए मैंने उसके ससुराल वाले को कुछ नहीं बताया, काश बता देता, मुझसे बड़ी गलती हो गई। सर मैं कह रहा हूँ ना कि बदला लेने के लिए उसने अंजलि को मारा है, आप प्लीज उसे पकड़ लीजिए। सर सच तो यह है कि शादी से पहले मेरा अंजलि के साथ रिश्ता था, झूठ यह है कि शादी के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। अंजलि के जाने के बाद मैं पागल सा हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या करूं कहां जाऊं, फिर एक दिन कहीं से मुझे उसका नंबर मिला, उसको वापस कांटेक्ट किया, तब जाके मुझे पता चला कि अंजलि भी मेरे बगैर रह नहीं पा रही थी। सर फिर हमने मिलके साथ रहने का प्लान बनाया, उसने मुझे काजल के हॉस्टल का और उसके कॉलेज का एड्रेस दिया, प्लान के मुताबिक मैं काजल के साथ झूठे प्यार का नाटक करने लगा, उससे शादी की, उसके घर रहने चला गया, फिर मैंने एक्सीडेंट करा के उसका बच्चा गिरा दी, उसे मेंटली इलनेस का शिकार बनाने लगा, ताकि वो हमारे बीच में ना आ सके और हम दोनों साथ में रह सके। सर इतना ही बस। और जब तुझे पता चला कि अंजलि प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है तो तूने उसे जान से मार डाला? नहीं सर, मैंने आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकता, अगर मुझे मारना होता तो मैं अंजलि के साथ रहने के लिए सब कुछ कैसे करता? सर मुझे तो कुछ खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सर प्रकाश के पड़ोसी से पूछने पर एक बात पता चली। क्या? इंस्पेक्टर साहब आप, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब क्या उसे जीत ने सब कुछ कबूल किया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ लेकिन ये काम अजीत ने अकेले नहीं किया, इस पूरे प्लान में आपकी पत्नी अंजलि भी शामिल थी। सर अजीत झूठ बोल रहा है आपसे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक लंबे टाइम से टच में थे, एक ही छत के नीचे रह के उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंकी है, इसलिए असली कातिल अजीत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? तो फिर किसने मारा मेरी पत्नी को? आप ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने आपके पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि जिस दिन अंजलि अपने घर से बाहर निकली थी वो आगे जाके आपकी गाड़ी में बैठी थी, अभी तो आप ही बताएंगे क्या आप उसे लेकर कहां गए थे? कोई कुछ भी कहेगा और मान जाएंगे। हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया मैडम, और ये रहे आपके और आपके भाई के कॉल रिकॉर्ड,
जिसमें आपकी और आपके भाई की लोकेशन अंजलि के मर्डर स्पॉट के पास की है। अब आप लोग सारा सच यहीं बताएंगे या हम जेल ले जाके आप लोगों से सच खुद उगलवाएं? ये क्या हो रहा है? बोलो। एक्चुअली सर, उस दिन रमेश और अजीत की बातें काजल ने सुन ली थी और उसने आते मुझे सब कुछ बताया। मुझे यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अंजलि के ऊपर ध्यान रखना शुरू किया। मानना पड़ेगा डार्लिंग, तुमने इतने अच्छे तरीके से अपने पति को बेवकूफ बनाया ना, और उधर मैंने अपनी बीवी को गोलियां दे दे के सब पागल बना दिया। अब क्या करती? तुम्हें पाना था तो इतना तो करना ही पड़ेगा। बस एक बार पागल इन का काम हो जाए ना, फिर अपने उस पति को ना ठिकाने लगा दूंगी। अच्छा, फिर क्या? फिर बच्चे सिर्फ तुम और मैं। वैसे हमारे छोटे अजीत का क्या हाल है? सब ठीक है, पर ये बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, अपनी पापा की तरह। तो अगर पापा भी परेशान कर ले? बिल्कुल। घर में रहकर हमारे ही खा रहा था, हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, तो बस इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा इस्तेमाल किया, मेरे बच्चे को मार दिया, दवाइयां देके मुझे पागल साबित करने की कोशिश की, कैसे जाने देती? हाँ, उसे उसकी सजा तो मिलनी थी ना। तो बस फिर हमने अंजलि को शॉपिंग के बहाने बुलाया और पास वाले जंगल में ले गए। प्रकाश, हम ये जंगल में क्यों आ गए? अभी बताता हूँ। प्रकाश भैया, भैया मैं क्या करूँ? इसे मेरी जिंदगी बर्बाद करती है।
आधी बॉडी पर फेंकना। अगर पूरी बॉडी चल गई ना तो पहचानने में प्रॉब्लम होगी। और जो ये चैन है, इस चैन को बॉडी के साइड में रखना ताकि शनाख्त करने में प्रॉब्लम ना हो। मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन में अजीत और अंजलि की सच्चाई सामने आ जाएगी और अजीत फंस जाएगा। ले चलो इन्हें। काजल, ये सब नहीं, रुकिए ना, सुनिए ना, इंस्पेक्टर साहब, प्रकाश, इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना।